हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोल्ड कोको की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसे हम पहले बॉयल कर लेंगे। इसमें से मैं थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ जो हमने स्लरी बनानी है उसके लिए। अब इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब ये स्लरी रेडी हो गई है, तो अब हम दूध को भी देख लेते हैं एक बार। दूध भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर की स्लरी थोड़ी थोड़ी कर डालते रहेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसे हमें थिक होने तक अच्छे से पका लेना है, मीडियम फ्लेम पर ही। इसमें मैं आधी कटोरी शुगर डाल रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 100 ग्राम चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट आप कोई भी डाल सकते हैं, चाहे तो कंपाउंड डाल सकते हैं, चाहे तो डेरी मिल्क डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, एक तो इसमें शाइनिंग आनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मिक्सचर में कितनी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है। अब ये देखिए चॉकलेट मिक्सचर थिक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ये रेडी हो गया है। अब मिक्सचर को हम एक बार अच्छे से छान लेंगे। अभी हमारा स्मूथ मिक्सचर एकदम तैयार हो गया है। अब गिलास में हम क्रश की हुई आइस डाल देंगे। अब इसमें चॉकलेट मिक्सचर ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप इस चॉकलेट मिक्सचर को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको पीना हो तो इसे एक बार ग्राइंड कर लीजिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारी कोल्ड कोको सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।